उर्फी ने जो अभी ट्वीट किया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन्नर समाज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा से, और किन्नर कभी झूठ बोलते नहीं हैं। किन्नर मेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में भगवान का रूप होते हैं, इसलिए वो लोग कुछ स्पेशल हैं। उनको कुछ भगवान ने कुछ अलग पावर्स, कुछ अलग चीज़ें दी हैं, और भगवान कभी झूठ बोलते नहीं हैं। उर्फी ने एक जो कल ट्वीट किया है, एक किन्नर होके ऐसा झूठा ट्वीट करना एक बहुत ही गलत बात है, एक गैरकानूनी भी है। कि उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ, अभी मैं जिस तरह रहती हूँ उस तरह मैं नहीं रहूँगी, और मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो उनके ट्विटर में सामने ही मेंशन है, बट इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया के खुश हो गए। इनफैक्ट मैं भी खुश हो गया ट्वीट देख के। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि उर्फी ने ऐसा बोल दिया। इमीडिएटली आज सुबह मॉर्निंग में एक नया ट्वीट वो करती है कि मैंने अप्रैल फूल बना के रखा है। आप सबको, आप बताइए गलत बात है कि नहीं है? ये लड़कियों की, औरतों की फीलिंग से खेलने वाली हरकत उर्फी ने करी है, जिसके खिलाफ मैं फिर से आवाज़ उठा रहा हूँ। और किन्नर भगवान का रूप होता है, और उसने भगवान को झूठा साबित करा उर्फी जावेद। उनके स्टाइल पे आप क्या कहना चाहोगे? उनका कोई स्टाइल नहीं है एक्चुअली। वो अपना जिस्म दिखा के पैसा कमाती है, अगर अपन कहेंगे तो। उनका स्टाइल कुछ नहीं है, वो पैसा अपना जिस्म दिखा के पैसा कमाती हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, पहले उनको मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास और भी रास्ते हैं, कि उर्फी जावेद अपने आप को किन्नर समाज को सरेंडर कर दो, और आप देखिएगा उर्फी, आपकी रिस्पेक्ट एक लेवल और ऊपर हो जाएगी। किन्नर समाज की बहुत रिस्पेक्ट होती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको क्या लगता है उर्फी अपना स्टाइल चेंज करेगी? उर्फी को स्टाइल अपना ब्रदर चेंज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चेंज करेगी तो हम उसे चेंज कराएंगे। और जब तक हम हार नहीं मानेंगे, जब तक उर्फी जावेद अपने आप को बदल नहीं लेती, और जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक वो अपने आप को किन्नर समाज को सौंप नहीं देती। अभी आपने देखा होगा ईरान में ब्रो, 22 साल की लड़की के साथ क्या हादसा हुआ, आपको सब पता ही होगा, पूरी दुनिया की अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, उसकी जान चली गई हिजाब नहीं पहनने की वजह से। ईरान पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। यार मतलब आप सोच रहे हैं कि ये, और यहाँ पे अपने इंडिया में इतनी फ्रीडम है, और उर्फी जावेद जैसी लड़की है उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रही है, माहौल ख़राब कर रही है, हर एक औरत की फीलिंग्स को ठेस पहुँचा रही है। बताइए आप, ये सही है कि गलत है जी? क्या उर्फी आपको लगता है उर्फी सबको पागल बना रही है? बिल्कुल नहीं, बना नहीं सकती। देखिए मुंबई के लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत सीधे भोले, सीधे साधे हैं। उनको उर्फी को लगता है उनका बेवकूफ़ बनाना आसान है, हम जो कहेंगे वो मान जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फैज़ान अंसारी उर्फी जावेद की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला के रखेगा। जब तक फैज़ान अंसारी ज़िंदा है, उर्फी जावेद की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला के रखूँगा। आप देखिए हिना खान बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ के ऐसा इस्लाम और दीन उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ही चेंज हो गई। इससे हिना खान जैसी लड़कियों से पूरी दुनिया की लड़कियाँ इंस्पायर हो रही हैं। आप उनके कमेंट देखिए, हिना खान के पोस्ट पे कमेंट देखिए और उर्फी जावेद के पोस्ट पे कमेंट देखिए। उर्फी जावेद के पोस्ट पे सिर्फ अश्लील बातें ही मिलेंगी आपको, और गालियाँ ही मिलेंगी, और उर्फी उस चीज़ को सुन के खुश होती हैं। उनका लेवल वही है, वो सुन के खुश होती हैं। उसके बाद उर्फी जावेद को चित्रा वाघ जी ने बहुत चेतावनी दी मुंबई में, जो एक जाना माना नाम है मुंबई का चित्रा वाघ, उन्होंने समझाया कि उर्फी ये सब मत करो, तो उर्फी जावेद ने चित्रा वाघ जी को गालियाँ बकी। कितनी घिनौनी बात है ये, आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ है उनकी। किसी को उर्फी नहीं छोड़ती है, सबको अपने से नीचे समझती है, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। और मैं लास्टली ये और कहना चाहती हूँ कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, थोड़े से रोज़े बचे हैं। उर्फी जावेद अपने गुनाह कबूल कर लो, मांग लो खुदा के सामने, हाथ फैला लो, माफ़ी मांग लो, शायद तुम बच जाओ। अभी बहुत अच्छा मौका चल रहा है, ये महीना है, इस मंथ को ख़राब मत करो। जिस्म दिखा के पैसा कमाना कहीं की भी अच्छी बात नहीं है, और अपने आप को किन्नर समाज को सरेंडर कर दो। किन्नर समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर उर्फी जावेद आपकी एज अ किन्नर कहीं इंसल्ट हो रही है, तो आपसे पहले फैज़ान अंसारी आँखें में खड़ा होगा, ये मैं दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।